ठीक है। आज हम लोग ने स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि क्लास सिक्स के लेक्चर के लिए, जो कि पहले ही हम लोगों ने कर चुका है, ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड सर्किट। तो जो हमारे स्कूल में बुक भी आ चुकी है, जो कि गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशंस की है, जो साइंस सक्सेस, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग सब लोगों ने खरीद भी लिया होगा, ठीक है। अगर जो लोग नहीं खरीदे होंगे तो जल्द से जल्द हमारे जो मौलाबाग ब्रांच है, ठीक है, वहां पर आकर आप लोग जल्द से जल्द ये बुक खरीद लें, साइंस सक्सेस, ठीक है, ये गोयल ब्रदर्स प्रकाशन का है, ठीक है। तो इस चैप्टर जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, जो फिजिक्स का चैप्टर है साइंस बुक से, ठीक है, उसको हम लोग एक बार इस बुक से देख लेते हैं, ठीक है, जो कि ये बुक में, इस बुक के अनुसार अगर देखा जाए तो ये पेज नंबर 168 से स्टार्ट है, ठीक है, दैट इज द चैप्टर 12 अकॉर्डिंग टू योर साइंस बुक, ठीक है। लेकिन ये फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो इस बुक में हम लोग पहले ही जो इस बुक में टॉपिक दिए हुए वो पहले हम आप लोगों के बीच डिस्कस कर चुका हूं, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर दूंगा सारे टॉपिक को, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, जब वैसे ही आगे बढ़िएगा, ये चैप्टर को हम रिकॉल कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, तो इस चैप्टर के अंत में, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स दिए हुए होंगे, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज दिए हुए होंगे, ठीक है। तो इस ये सब एक्सरसाइज को और कीवर्ड्स को आपको अपने एक फेयर कॉपी पर करना होगा, ठीक है। तो यू हैव टू डू ऑन योर फेयर कॉपी, नीट एंड क्लीन, ठीक है, इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। द एक्सरसाइज दैट इज गिवन इन दिस बुक, ठीक है, फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट एंड कीवर्ड्स ऑल्सो, कीवर्ड्स ऑल्सो यू हैव टू डू ऑन योर फेयर कॉपी, ओके। नाउ सम टॉपिक्स वी अगेन रिकॉल फ्रॉम दिस चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, दिस इज रिकॉल लेक्चर, रिकॉल लेक्चर, ठीक। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखे थे, इस चैप्टर में हम लोग क्या देखे थे, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या, सिंपल, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल, यही क्लासिक्स का इतना काफी है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ करेंट इन द सर्किट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, यही चीज हम लोग ने किया था, फ्लो ऑफ करेंट या इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी या सिंपल इसको इलेक्ट्रिक करंट भी हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ये हम लोगों ने किया था, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी समझ लिया हम लोग। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए कोई एक पास चाहिए, एक रास्ता चाहिए, जिसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिक सर्किट उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इसको डिफाइन करना हो, इसको बताना हो कि इसको कैसे डिफाइन करना है, द पाथ अलोंग विच द करेंट फ्लो या द पाथ अलोंग विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी कैन मूव या इलेक्ट्रॉन मूव, ठीक है, द पाथ अलोंग विच, रास्ता, पाथ मतलब रास्ता, द पाथ अलोंग विच द करेंट फ्लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, सिंपल, ठीक है। इसको हम लोग कंडक्टर ही बोलेंगे, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करेंट पास करेगा, इंसुलेटर से नहीं, कंडक्टर इंसुलेटर लास्ट में हम बताएंगे, पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ। अब सर्किट दो प्रकार का, एक क्लोज सर्किट, एक ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट भी दो प्रकार का होगा, ठीक है, टू टाइप्स सर्किट, कौन कौन, पहला क्लोज सर्किट, ठीक है, दूसरा ओपन सर्किट,
ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट ओपन सर्किट किसको कहते हैं, सिंपल एकदम है, सिंपल नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि क्लोज और ओपन यानी बंद और ओपन मतलब खुला एक तरह से, ठीक है, ब्रेक सर्किट। तो क्लोज सर्किट वैसे सर्किट को बोलेंगे जो पूरे सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी कंपोनेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो भी कंपोनेंट, बल्ब, वायर, सेल, बैटरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल को बैटरी बोलते हैं। तो ठीक है, बैटरी, वायर, ठीक है, स्विच, इसके बाद और बल्ब, ये मान लीजिए एक कंप्लीट सर्किट बन जाएगा, जैसे हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, सिंपल, दिस इज अ बल्ब, दिस इज अ बल्ब, नाउ दैट इज कनेक्टेड थ्रू अ सेल, यहां एक हम स्विच लगा देंगे, यहां एक स्विच लगा देंगे हम, देखिए, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी लाइन है इसको हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और छोटी लाइन जो है निगेटिव, और जो करंट का फ्लो है ये कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी इधर से ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो मूव होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट चीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल से जो कैरियर का काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूव, इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, तो निगेटिव टर्मिनल कहां है, ये छोटे वाले को हम निगेटिव, यहां निगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा है तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ये फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। आप पढ़ चुके जैसे एक एग्जांपल में, ठीक है, कि दो आप एक टैंक ले लीजिए, पानी भर दीजिए और पानी भर दीजिए, कम या एक में ज्यादा, ठीक है, तो जिसमें ज्यादा होगा ज्यादा वाले से कम की ओर फ्लो करेगा, ये सिंपल सी बात है, उसी तरह यहां भी है, यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस पोजिशन पर, इस निगेटिव टर्मिनल पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहां पर पॉजिटिव दैट इज टर्मिनल है तो यहां पर प्रोटॉन ज्यादा एक तरह से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये दैट इज द चार्ज पार्टिकल्स, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जहां ज्यादा होंगे उधर से ये इलेक्ट्रॉन का होगा फ्लो करेगा। सिंपल इतना तो आप लोग को खैर जानना नहीं है क्लासिक से, बस सिंपल जानिए कि जो ये सर्किट है जिसमें हम लोग बल्ब इस्तेमाल किए हैं, ये वायर है, ठीक है, और इसमें ये एक सेल हम लोग जोड़ दिए हैं, ठीक है, जो जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो और स्विच लगा दिए। अब देखेंगे इसी से पता चलेगा क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, ठीक है, तो क्लोज सर्किट अभी देखिए ये स्विच ओपन है, स्विच क्या है, ये अभी ब्रेक किया हुआ है, स्विच को ओपन करके खोल दिया गया है, दैट मीन्स कि ये अभी सर्किट क्या है, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो इस तरह के सर्किट को हम लोग ओपन सर्किट बोलेंगे। व्हेन द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज नॉट कंप्लीट दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट, और अदर लैंग्वेज ये दूसरी तरफ देखेंगे अगर कि क्लोज सर्किट व्हेन द ऑल द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन ऑल द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट आर कनेक्टेड इन प्रॉपर वे या कंप्लीट देन दैट सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। ओके, ये चीज है, ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक सेल, सेल के बारे में, ठीक है, सिंपल देखिए सेल का ये डायग्राम होता है, अगर सिंगल सेल हुआ, जो फ्लैट वाला पार्ट है, जो फ्लैट साइड में जो है उसको हम लोग निगेटिव, जो फ्लैट पार्ट होता है जो सेल, और जो थोड़ा सा आगे निकला हुआ होता है, जो थोड़ा सा पॉइंटेड, उस पॉजिटिव होता है, ठीक है, दिस इज योर सेल। तो सेल को कनेक्शन भी करते हैं हम लोग, जैसे टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे खिलौने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टॉयज में, या कैमरा में इस्तेमाल होता है, ये सब इसको, इसको कनेक्ट करने का बहुत सारा तरीका है। एक तो सीरीज, सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज मतलब लगातार, तो अगर इसको हम लोग ये सेल को कैसे कनेक्ट करते हैं, अभी हम सेल से डायग्राम से बता रहे हैं, सिंबल से भी बता देंगे कैसे कनेक्ट करते हैं। ये अभी जस्ट बताया कि जो फ्लैट वाला पार्ट है एकदम, ये क्या है, निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, तो जब भी कनेक्ट होगा वो क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे कनेक्ट, ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, कभी कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव, फिर इसके बाद यहां फ्लैट वाला पार्ट ऐसे आएगा, ये ऐसे कनेक्शन होगा, ठीक है,
फिर इसी तरह एक और ये क्या हो गया, ये आपके यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, ये फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ एक लगा देंगे इस तरह से ये सेल, ठीक है, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये क्या है, ये सीरीज में कनेक्शन हो गया। कैसा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो ये आपका दैट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस चीज का, टू और मोर से, एक से अधिक है, एक दो तीन कितना है, तीन है, ठीक है, बी वन बी टू ये मान लीजिए ये लगा दिए, तो ये सेल, ये बैटरी हो गई, ये एक जो फॉर्मेशन हुआ ये पूरा, ठीक है। कम से कम दो चाहिए, दो सेल चाहिए कनेक्ट होना चाहिए, तब जाके उसको हम बैटरी बोलते हैं, इसी को बैटरी बोलते हैं, सेल और बैटरी में अंतर है, ठीक है, ये चीज है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं सिंबल्स कुछ जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जब सर्किट बनाते हैं तो कुछ जो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। माने कि कंपोनेंट को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, कंपोनेंट को बनाना, ठीक है, सर्किट डायग्राम में डिफिकल्ट है, तो उसके लिए सिंबल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ सिंबल्स देख लेते हैं, सिंबल्स ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे क्या क्या इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सेल या बैटरी, यही ना, इसके बाद वायर, बल्ब, ठीक है, और क्या इस्तेमाल करते हैं, स्विच, बेसिकली यही इतना। एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, एक सर्किट तैयार करने के लिए कम से कम इतना चीज का रिक्वायरमेंट होना जरूरी है, ठीक है। क्या क्या, सेल बैटरी जिसको पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वायर कनेक्ट कंडक्टिंग पाथ के लिए, बल्ब, ठीक है, एक बल्ब चाहिए ग्लो करने के लिए, तब तो पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है कि नहीं, और स्विच ऑन ऑफ अपने अपने अनुसार, इसको स्विच को क्या कर, ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अब इसका सिंबल देख लेते हैं जो कि हम लोग सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में, सेल या बैटरी, अभी जस्ट पता है सेल और बैटरी में क्या फर्क है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। सेल, सेल को सिंपल इस तरह से दिखाते हैं, जिस बड़े वाले को, बड़े वाले जो डंडे होते हैं ये, जो इसको प्लस पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये हो गया सेल, और बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, ये हो गया, ये आपका बैटरी हो गया, क्या हो गया, ये बैटरी हो गया, ठीक है, ये सिंबल। अब वायर, वायर सिंपल एक लंबी सी लाइन ऐसे दे दी, ये वायर हो गया बस, जो कि कंडक्टर का काम करता है। बल्ब, बल्ब का भी जस्ट बता, ये बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल, सिंपल। और इसके बाद एक स्विच, तो स्विच, स्विच में भी दो प्रकार का हम स्विच बताए थे, एक क्लोज स्विच, एक ये क्लोज स्विच हो गया, और ओपन स्विच, ये क्या है, ओपन स्विच, एक तरह से और तरीके से दर्शाते हैं स्विच को, देख लेते हैं, ये आपका ओपन स्विच हो गया, ठीक है, और ये आपका क्लोज स्विच हो गया, ठीक है। तो स्विच में दौड़ते हैं, ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में आसान होगा, ठीक है, आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये, इसको एक कंडक्टिंग पाथ चाहिए, ठीक है, जिसको कंडक्टर बोलते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये भी हम बता चुके हैं पहले ही, जो प्रीवियस जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका था लेक्चर, ठीक है, उसमें। तो सिंपल कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर किसे कहेंगे, सिंपल अकॉर्डिंग टू क्लास सिक्स, दैट इज द कंडक्टर द मेटेरियल, सिंपल कंडक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, द मेटेरियल थ्रू विच द करेंट या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी
द मेटेरियल थ्रू विच द करेंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, उसी तरह जस्ट इसका उल्टा इंसुलेटर हो जाएगा। द मेटेरियल थ्रू विच द करेंट या इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। हमें नहीं लगता कि लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स में बहुत सारे कंडक्टर दैट इज द कॉपर दैट मेटल जो जनरली जो भी मेटल होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर आयरन दिस इज ऑल द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, बहुत सारा आपके घर में मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे इन एवरीडे लाइफ। वुड प्लास्टिक्स दिस आर द ड्राई एयर ऑल्सो इंसुलेटर, ये सब इंसुलेटर। ठीक है, लेकिन एक कंडक्टर के केस में एक एक्सेप्शन केस भी, कुछ नॉन मेटल्स हैं थोड़े एक आध जैसे ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल में होते हैं। ठीक है, वो कार्बन के बदले कार्बन नॉन मेटल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो इंसुलेटर होने के बावजूद भी ये कंडक्टर का काम करता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है इसको। दैट्स ऑल। ठीक है, ये आपका रिकॉल लेक्चर था इस चैप्टर का। और जैसे मैं शुरुआत में मैं बोल चुका हूं कि जो बुक है उस बुक से आप लोग को आगे अपने फेयर कॉपी में एक्सरसाइज को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, जहां भी दिक्कत होगी उसको नेक्स्ट डे आप उसके कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चंस को पुट अप कर दीजिएगा, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी कीवर्ड्स आल्सो, कीवर्ड्स इज आल्सो गिवन इन योर बुक लाइक इन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ठीक है, तो दैट्स ऑल। थैंक यू।